नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएनआई न्यूज। जीएनआई न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपेक्षा यादव। बाराबंकी से इस वक्त की बड़ी खबर, आइए देखते हैं खबर को विस्तार से। भाजपा समर्थित प्रत्याशी हरक प्रथम से संग्राम सिंह वर्मा के अनु ने चुनाव निशान गमला पर मोहर लगाकर जनता से जिताने की अपील की। उन्होंने कहा कि जनता मत एवं समर्थन देती है, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा, क्षेत्र की समस्याओं को हल करने का पूरा प्रयास करूंगा, बजट का अंश शत शत प्रतिशत जनता के लिए खर्च करूंगा। आइए देखते हैं बाराबंकी से रवि वर्मा की एक खास रिपोर्ट, सच वही जो जेएनआई न्यूज दिखा है। क्या अपील करना चाहते हैं? हमारा चुनाव निशान गमला है और मैं जनता से यही अपील करता हूं कि गमले वाले खाने पर अपना बहुमूल्य वोट देकर हमें भारी मतों से विजयी बनाए, जिससे मैं अपनी जनता की समस्याओं को दूर करने में प्रयास करूं और उनके प्रति खरा उतरूं। भारतीय जनता पार्टी। आपको पार्टी समर्थित कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के, तो जनता के बीच में जाते हैं तो किस तरीके की समस्याएं आपको देखने को मिलती हैं? मैं जब जनता के बीच जाता हूं तो कुछ समस्याएं आती जरूर हैं, जैसे कि स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा है और गाँव में विकास का कुछ नाली खड़ंजा जी, और कहीं कहीं पर बिजली की भी समस्या आती है। तो इन समस्याओं को मैं निदान करने का आग्रह करता हूं और पार्टी की तरफ से इन समस्याओं को पूरा करने का अथक प्रयास करूंगा। जनता आपको जिताती है तो आप पूरा प्रयास करेगी जनता की समस्या को दूर करें। अच्छा, आपका चुनाव निशान क्या है? जनता के बीच में किस निशान पे आप वोट मांगते हैं? हमारा चुनाव निशान गमला है और मंडल हरक प्रथम से मैं भाजपा समर्थित प्रत्याशी हूँ। पार्टी ने मुझे अवसर दिया और मेरा चुनाव निशान गमला है जी। अच्छा, जनता जो आप जाते हैं जनता के बीच में तो भाजपा की नीचे को बताते हैं, तो जनता का क्या रिस्पांस मिलता है? जनता का रिस्पांस ये है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो है जनता का विश्वास बहुत अच्छा है और जनता ने विश्वास किया है और देश के प्रति जो है पार्टी ने अच्छे काम किए हैं। धारा 370 भी खत्म किया और राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है और सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास जी, मोदी जी की यही एक इच्छा है।